माइंड का मूड खराब कर दिया ना, हम क्या कर सकते हैं? फर्क नहीं पड़ता है क्या तुमको? फर्क पड़ने का बात नहीं है। ओके गाइस, आप ये सामने देख सकते हैं गंगा का द्वार है एंड सामने दो जलपरी का आप देख सकते हैं चित्र बना हुआ है, पिक्चर बना हुआ है एंड आप इसी रास्ते से आकर आप ये एंटर कर सकते हैं उधर आकर। ब्लॉग में बने रहिए और भी जो चीज़ दिखाने लगे होते हैं मैं आपको दिखाते रहता हूँ। ये सहरसा सिटी के पूरा बीचों बीच है ये पार्क। हाँ। और काफी बड़ा स्पेस में है। हाँ। काफी ज्यादा मात्रा में लोग यहाँ घूम रहे हैं। हाँ। शाम में अपने रिलैक्सेशन के लिए फैमिली के साथ कुछ बच्चे लोग खेल भी रहे हैं यहाँ पे। हाँ गाइस, आप जैसा कि देख सकते हैं काफी लोग यहाँ पे घूम रहे हैं फिर रहे हैं एंड ये पार्क एक्चुअली काफी लोग आते हैं, फैमिली वाले लोग भी आते हैं एंड बच्चे लोग भी खेल रहे हैं यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं। बूढ़े बुजुर्ग बच्चे कपल सबके लिए, फैमिली वैमिली सबके लिए ये पार्क। बुजुर्ग कपल सामने छोटा बच्चा बड़ा बच्चा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि यहाँ पे एंट्रेंस के लिए कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ता है, मेन पॉइंट यही है, फ्री है। ओके गाइस, तो मैं हर किसी को रिकमेंड करूँगा कि आप अगर सहरसा आते हैं तो संजय गांधी पार्क में आप ज़रूर आएँ एंड यहाँ पे कोई भी आपका किसी भी तरह का फ़ी पे नहीं करना पड़ता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका एंट्री है यहाँ पे। सो या वीडियो में बने रहिए एंड जो भी सिनेमैटिक शॉट्स होता है यहाँ का इस जगह का मैं आपको वीडियो में आगे दिखाता हूँ। ये संजय गांधी पार्क का जैसे कि आप सामने देख सकते हैं ये आपका मेन गेट है, आप यहीं से एंट्री कीजिएगा। कोई भी फी या फिर कोई भी आपका चार्ज यहाँ पे नहीं लगता है, आप फ्री में आके यहाँ पे घूम सकते हो एंड या सो या आगे जो जो ब्लॉग में होता है मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो में बने रहिए। ओके गाइस, अभी मैं संजय गांधी पार्क से बाहर आ चुका हूँ, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आकर। फ्लावर्स के काफ़ी ज़्यादा ही वैरायटी दिखाई देंगे आपको, प्लांटेशन बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया है, बहुत ही अच्छे मतलब सही ढंग से यहाँ पे प्लांट्स वगैरह आपको दिखाई देंगे। तो मैं विनती करूँगा कि आप कोई भी प्लांट्स को छेड़छाड़ ना करें यहाँ पे जब भी आएँ, जो यहाँ पे नेचर का फील होता है वो आपको यहाँ पे अच्छे से मिलेगा। सो या आइए इस जगह पे एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आप सहरसा से देख रहे हैं तो। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अभी सहरसा से घर की तरफ निकल रहा हूँ। अभी सुबह के 11:56 हो रहे हैं एंड कुछ देर में दोपहर हो जाएगा, 12 बज जाएंगे। सो यहाँ ब्लॉग में बने रहिए। मैं अभी अपने घर से ऊर्जा नगर मागामा से 180 किलोमीटर दूर हूँ, आज मैं घर के लिए निकल रहा हूँ। रास्ते में जो भी दिखाने लायक होगा मैं अपने कैमरे से आपको दिखाऊँगा, बिकॉज मेरा हेलमेट में ही कैमरा माउंट रहेगा। सो या वीडियो में बने रहिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, हमारे पास बहुत मेहनत लगती है एंड और भी कंटेंट अभी आगे आने वाले हैं, और भी काफ़ी सारे अच्छे कंटेंट अभी मैं आगे लाने वाला हूँ।
सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए एंड चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो या अब मैं यहाँ से निकलता हूँ देन आपको वीडियो में आगे मिलता हूँ। देख तो रिकॉर्डिंग ऑन है। अंदर ही है ना बाइक? सामान निकल गए मैं भागलपुर से निकल रहा हूँ। भागलपुर से महागमा के तरफ यहाँ से भागलपुर अभी 126 किलोमीटर दूर है। पेट्रोल पंप पर तेल ले लीजिएगा, मेरे घर का आगे भारत वाला तेल लेकर के सीधे निकलिएगा। बंगाली बाजार है ना जहाँ पर हम लोग गए थे, पहला दिन गए थे घूमने के लिए बाइक लेकर के। मोर उड़ है जाते इसी कारण आप इधर इधर जाइए मार्केट। हाँ मार्केट मार्केट ही पूरा बराबर है ठीक ना। धोते हुए आप महेशपुर निकल गए, महेशपुर चल गए। पथरीला रास्ता है मतलब? पत्थर मतलब पूरा गिट्टी बिछा हुआ है समझे। बुलेट आराम से जाता है उसमें, और सब गाड़ी की दिक्कत होता है पर बुलेट आराम से निकलता है। पूरा जाना है? पेटीएम कर दें, 350 का डाल देते हैं। 296 का है। हाँ सुना, क्या बोले? क्या पेटीएम करने से मना कर रहा है? कौन दलाव की बात कर रहा है? पेट्रोल पंप वाला? और कौन? पेट्रोल पंप वाला मना कर रहा है, फोन पे करने बोल रहा है। कल कैसे हुआ था वही तो पूछो, बात करो। कल हुआ था भैया पेटीएम, तो फिर आज क्यों नहीं होगा? मैसेज नहीं आता उसका। मैसेज नहीं आता है? कैसे नहीं आता है? सब कुछ ऑनलाइन होता है तो फिर मैसेज क्यों नहीं आएगा? क्या हो भैया, पेटीएम नहीं लीजिएगा? क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है पेटीएम नहीं करना। वही तो कल भी पेटीएम, मुझे तो मन में कहा है उसके, माइंड का मूड खराब कर दिया ना। क्या कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता है क्या तुमको? फर्क पड़ने का बात नहीं है,